इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक हीटर है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, ठीक है, मान लेते हैं कि 8 ओम रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक हीटर है, 15 एम्पियर करंट ये लेता है, कितना करंट लेता है 15 एम्पियर ये करंट लेता है, फ्रॉम द सर्विस मेन टू आवर, दो आवर तो ये 15 एम्पियर करंट लेता है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, हमें वो रेट कैलकुलेट करना है किस रेट से हीट डेवलप होगी, ठीक है, तो क्या करेंगे, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द डिवाइस इज नोन एज पावर, ये शुरू में बताया था एक डेफिनेशन है, यानी पावर क्या होती है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, पावर होती है रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, और पावर हमें निकालनी है तो पावर क्या होगी, पावर होगी आई स्क्वायर आर, पावर होगी आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू कहीं दी है, आई की वैल्यू दी है, ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आप कर पाएंगे, देखो गिवन है आई, ये वैल्यू जो कि 15 एम्पियर है और आर भी दिया है जो कि 8 ओम है, तो क्या पावर नहीं निकाल सकते, पावर आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, आई 15 इंटू 15 आर की वैल्यू 8, तो पी कितना आ गया पावर, कैलकुलेट कर दो इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15 225 गुणा 8 तो 45 4 16 4 20 2 16 तो 1800 वाट, इसमें आ जाएगी पावर वाट, ये आ गई पावर, ठीक है, अब किसमें आई, वाट में आ गई, यही हमसे पूछा था कितनी हीट प्रोड्यूस होगी इससे, तो हीट कितनी डेवलप हुई, इतनी डेवलप हुई, ठीक है।